आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। ओके, क्या नाम है? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस। चलिए तो पहले समझते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं या पास्ट सिंपल टेंस के कहलाते हैं। ओके, यस सर। चलिए तो देखते हैं, भूतकाल में कार्य का पूर्ण होना। पहली कंडीशन है कि ऐसे कार्य जो भूतकाल में यानी पास्ट टाइम में पूर्ण हो चुके हैं, पूर्ण हुए हैं। ओके, यस सर। या फिर हम ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एक्शंस को पास्ट सिंपल टेंस में ट्रांसलेट करते हैं जो भूतकाल की आदत है। क्या है? भूतकाल की आदत है। तो मेन टू पॉइंट आप देखे कि भूतकाल में जो कार्य कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ, उसे हम पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। या फिर भूतकाल की आदत, पास्ट टेंस की, पास्ट टाइम की आदत जो हम किया करते थे। ओके, अब हिंदी के वाक्यों में हमें ऐसे कौन से शब्द मिलते हैं जिससे हम पहचान जाते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का है। ओके, यस। तो आपको हिंदी के सेंटेंस से मिलता है ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए। क्या मिलता है? ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए। ओके, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने उसकी सहायता की, तो आपको मिला यहाँ पर ई। क्या मिला आपको? ई की। ओके, यानी का में ई की मात्रा है। ओके, ई का साउंड है। मैंने उसकी सहायता की, इसी को हम बोल सकते थे मैं उसकी सहायता करता था। तो क्या मिला आपको? ता था। साक्षी ने अपने कपड़े धोए, ए। क्या मिला आपको? साउंड ए का। या साक्षी अपने कपड़े धोती थी, तो क्या सर मिला आपको? ती थी का। ओके, मैंने एक किताब लिखी, ई। किसका इसमें साउंड है? ई का। ओके, मैं एक किताब लिखता था, ता था। ओके, तो आपने देखा कि ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए, इस तरह के साउंड आपको लास्ट में सेंटेंस में मिलते हैं। ओके, तुमने 100 रुपए दान दिए, ए। किसका साउंड है लास्ट में? ए का। ओके, या तुम 100 रुपए दान देते थे, ते थे, राइट। तो आपने समझा कि ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए, इस तरह के साउंड आपको एक्शन के साथ, क्रिया के साथ मिलते हैं। ओके, ऐसे शब्द मिलते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं, राइट? यस सर। दो मेन पॉइंट कि जो भी काल है वो पास्ट में पूर्ण हुआ है और आदत, और या पास्ट की आदत कि मैं खेला करता था या खेलता था, पर पास्ट की आदत के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। यूज करते हैं यूज्ड टू का, जो एकदम क्लियर है कि ये हमारी आदत है, हम इसको मतलब बार बार दोहराते थे, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? यूज्ड टू। लेकिन अगर ओनली सिंपल करता था, खाता था, पीता था, सोता था, जाता था, तो आप सिंपल पास्ट टेंस से भी ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, यस सर। अब बात करते हैं इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब ओनली एक है, डेड। क्या है? डेड। ओके, अब सिंगल हेल्पिंग वर्ब है डेड, तो आपको कोई टेंशन नहीं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लुरल नंबर सब्जेक्ट है, सभी के साथ आपको क्या लगाना है? डेड का यूज करना है, राइट? यस सर। अब बात करते हैं मेन वर्ब का, कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें कंडीशन है, पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस। यू नो अफर्मेटिव सेंटेंस? जिनमें नहीं या कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, उनमें आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे आप गो, वेंट, गॉन, इसमें सेकेंड फॉर्म कौन है? वेंट। ओके, जैसे कम, कैम, कम, तो सेकेंड फॉर्म क्या है? कैम। रन, रैन, रन, तो सेकेंड फॉर्म क्या है? रैन। ओके, इस टाइप से आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, किसमें? पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में।
ओनली ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में। यदि सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, ओके अफर्मेटिव नहीं है, तब आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। मतलब आपको ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म और शेष सभी सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? यस सर। और साथ में कंडीशन ये अप्लाई है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को टारगेट करते हैं तो उसमें मुख्य क्रिया तो सेकेंड फॉर्म है ही, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब डिड है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं किया जाता एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया के रूप में। वैसे तो जब एक्शन आ जाएगा करना यानी डू, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड। तो ऐसी कंडीशन डिड का यूज होगा, ओके कि मैंने अपना कार्य किया, आई डिड माई वर्क, तो यहाँ पर डिड क्या है? मैन वर्ब। डू का सेकंड फॉर्म डिड है, लेकिन एज अ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। ओके तो आप ने समझा? Yes, एनी डाउट? नो सर। एनी क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड? नो सर। ओके चलिए, तो अब आप कुछ प्रैक्टिस से समझ लेते हैं कैसे हमें ट्रांसलेट करते हैं। तो आपने देखा ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा है अफर्मेटिव की, किसके लिए? अफर्मेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है, ओके मैंने उसकी सहायता की, राइट? तो आप देखेंगे सब्जेक्ट लिखना है, क्या सब्जेक्ट? कौन सा सब्जेक्ट? मैंने। मैंने को क्या होते हैं? आई, राइट? अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब के इसमें सहायता की, सहायता करना, तो क्या बोलते हैं? हेल्प। क्या बोलेंगे? एच ई एल पी, हेल्प। इसका सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, आई हेल्प्ड। मैंने उसकी सहायता की, ऑब्जेक्ट कौन है? उसकी, यानी किसी पर्सन की, ओके? तो आई हेल्प्ड हिम, क्या लिखेंगे? आई हेल्प हिम। अगर मान लीजिए गर्ल है कोई, तो हम बोल सकते थे आई हेल्प, राइट? चलिए अब अगर हम बात करें किसकी नेगेटिव, किसकी नेगेटिव, अभी मैंने आपको समझाया कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं किया जाता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा फॉर्म? सेकंड। हेल्प का हेल्प यूज किया हमने, ओके सेकंड फॉर्म। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस से डिड का यूज स्टार्ट हो जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते, क्या यूज करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए साक्षी ने अपने कपड़े नहीं धोए, या साक्षी अपने कपड़े नहीं धोती है, हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ओके? साक्षी ने अपने कपड़े धोए, तो हमने कहा नहीं धोए। साक्षी अपने कपड़े नहीं धोती थी, दोनों का सेम ही बनेगा, ओके? चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट कौन है? साक्षी। ओके साक्षी है, साक्षी, ओके। अब आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट, तो साक्षी डिड नॉट, राइट? साक्षी डिड नॉट। अब एक्शन क्या है आपका? वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म, धोना नहीं, वॉश, क्या यूज करेंगे? वॉश अपने कपड़े। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने कपड़े। तो साक्षी क्या है? गर्ल है। yes, तो आप यूज करेंगे हर, हर क्लॉस, सी एल ओ टी एच ई एस क्लॉस, राइट? तो यू नो आपको समझ में आया? yes, कि आपको नेगेटिव सेंटेंस से क्या यूज करना है? डिड नॉट। अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं करना एज ए हेल्पिंग वर्ब, राइट? ओके चलिए तो नेक्स्ट और देखते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे लिखा हुआ है इंटरोगेटिव, देखते हैं, क्या देखते हैं? इंटरोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैंने किताब लिखी, इसको हम इंटरोगेटिव कर लेते हैं, ओके? क्या मैंने किताब लिखी? तो जब हम क्या से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है? आगे होती है। तो जैसे ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम क्या के लिए, ओके? तो सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको? डिड, वेरी गुड। फिर सब्जेक्ट कौन है? आई, मैं। Yes, मैं के लिए आई, डिड आई। फिर आपको वर्ब क्या यूज करना है? लिखना, डिड आई राइट, W R I T, राइट। अब राइट इन फर्स्ट फॉर्म, ओके? सेकंड फॉर्म यूज करना ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में। डिड आई राइट, ओके? आ बुक, गुड। और क्वेश्चन मार्क, ओके? तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, ओके? अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव भी हो और कैसा हो, नेगेटिव भी हो, राइट? चलिए मान लीजिए इसी को लेते हैं, तुमने 100 रुपए दान दिए, तो क्या तुमने 100 रुपए दान दिए? ये इंटरोगेटिव होगा, इसको भी नेगेटिव करते हैं, ओके?
क्या तुमने 100 रुपए दान नहीं दिए, क्या होगा? क्या तुमने 100 रुपए दान नहीं दिए? तो क्या क्रिया हमें पहले क्या यूज करना है? डेड, वेरी गुड। डेड यू नॉट डोनेट 100 रुपीज, ओके 100 रुपीज, HUNDRED रुपीज, ओके। और क्वेश्चन मार्क, तो ये हुआ आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कैसे बना ये? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ओके। चलिए अब आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड के साथ में इंटरोगेटिव, ओके। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए हम याद देते हैं, मैंने उसकी सहायता क्यों की, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड प्लेस करना होता है। क्या प्लेस करना होता है? क्वेश्चन वर्ड। तो मान लेते हैं हमने कहा मैंने उसकी सहायता कब की, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखना होता है? क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब, कब यानी व्हेन, ओके। फिर आपको डेड, व्हेन डेड, मैंने यानी आई, व्हेन डेड आई हेल्प, HELP हेल्प, ओके हिम, वेरी गुड। और क्वेश्चन मार्क, अब लास्ट स्टेप समझते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा साथ में नेगेटिव भी होगा। कैसा होगा? क्वेश्चन वर्ड साथ में नेगेटिव। मान लीजिए, ओके, मैंने एक किताब क्यों नहीं लिखी, मैं किताब क्यों नहीं लिखता था, राइट? इसको बनाते हैं, मैंने किताब क्यों नहीं लिखी, तो क्यों नहीं लिखी, क्वेश्चन वर्ड क्या इसमें? क्यों, why? Why? Did I not write, very good, a book, question mark, very good, okay, you got it? Yes sir. चलिए, तो बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, ओके। यस सर।